हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स फॉर ऑल। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमएससी रेगुलर मोड में नहीं कर सकते, उनके कुछ पर्सनल रीज़न रहते हैं या कोई फैमिली प्रॉब्लम रहता है, या ऐसे भी बहुत जन होते हैं जिन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट कर ली है फिज़िक्स में या कोई दूसरे सब्जेक्ट में, मैथ्स में या केमिस्ट्री में। अब उन्होंने उसके बाद में बीएड कर लिया हो, फिर शायद कोई टेम्प्रेरी या कोई पार्ट टाइम जॉब में लग गए हों। तो ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर मोड में नहीं कर सकते तो आप अपना एमएससी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उसके लिए टेंशन मत लो, आप एमएससी आप कर सकते हो, आप डिस्टेंस पे भी एमएससी कर सकते हो। मैंने भी डिस्टेंस में मास्टर्स किया है, तो मैं आपको इसके लिए एकदम सही से बता पाऊँगी कि कैसे क्या रहता है, क्या एमएससी डिस्टेंस में वैलिड रहती है या नहीं रहती है। तो देयर इज़ अ होप, जिन्होंने जो रेगुलर मोड में नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक होप है कि आप एमएससी डिस्टेंस एजुकेशन से कर सको। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे या बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे। ऐसे रहा चलते कोई भी कॉलेजेस या कोई भी यूनिवर्सिटी में आप ट्रस्ट मत करना, सिर्फ वही यूनिवर्सिटी सिर्फ वही कॉलेजेस को आप ट्रस्ट करना जो UGC रिकॉग्नाइज्ड हो। नहीं तो ऐसा होगा कि आपने 2 साल का कोर्स भी कर लिया और आपका वो वैलिडिटी नहीं रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए आपको, एक तो इग्नू से और एक विद्यासागर यूनिवर्सिटी से। विद्यासागर यूनिवर्सिटी से मैंने खुद किया है डिस्टेंस में मास्टर्स फिज़िक्स में, और इग्नू भी अच्छा है, ये दोनों ही UGC रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो आप इन दोनों से आप डिस्टेंस से आप मास्टर्स कर सकते हो। और भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, अगर आपको कुछ पता चले तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको चेक करके बताऊँगी। पर ये 2 वेरीफाइड है, आप इन दोनों से कर सकते हो। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि ये डिस्टेंस में अगर हमने मास्टर्स किया तो वो वैलिड रहेगा कि नहीं, जो हमें। तो आप इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ये जो डिस्टेंस जो हम कर रहे हैं मास्टर्स में, उसमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी उतनी ही वैलिडिटी रहेगी जो हम रेगुलर क्लासेस में करते हैं, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ UGC रिकॉग्नाइज्ड हैं। जो सवाल सबके मन में रहता है कि क्या हमें क्लासेस अटेंड करनी रहेगी, क्योंकि तो डिस्टेंस मोड में है तो फिर शायद पूरा ही ऑनलाइन कोर्स होगा। नहीं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट में हमें पता है कि प्रैक्टिकल की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है, राइट। तो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस तो अटेंड करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप डिस्टेंस में मास्टर्स कर रहे हो तो वो ऐसे ही कुछ ऑनलाइन क्लासेस करवा देंगे और वो आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। जैसे रेगुलर मोड में मास्टर्स होता है उसी टाइप से आपको प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे, आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी देना होगा। मैंने विद्यासागर यूनिवर्सिटी से क्लास किया था, मैं आपको मेरे जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस था वो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ। तो देखिए, मैंने विद्यासागर यूनिवर्सिटी से किया था, ठीक है। तो विद्यासागर यूनिवर्सिटी आप यूनिवर्सिटी से भी डिस्टेंस मोड में कर सकते हो, डिस्टेंस मोड से कर सकते हो आप। और इस यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर यूनिवर्सिटी से नहीं किया था, मैंने एक कॉलेज से किया था। बहुत सारे कॉलेजेस हैं कोलकाता में जहाँ से आप डिस्टेंस मोड से आप मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हो अपना, ठीक है। एक और यूनिवर्सिटी है नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी डिस्टेंस मोड में होता है, पर यहाँ पे शायद बैचलर डिग्री होता है डिस्टेंस मोड में, मास्टर्स डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो यूनिवर्सिटी है विद्यासागर यूनिवर्सिटी प्रॉपर, आप यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो और उस यूनिवर्सिटी के अंडर कुछ कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उस कॉलेजेस के अंडर से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस मोड में आपके, जब मैंने किया था तब हमारी क्लासेस होती थी वंस अ वीक, ठीक है। तो मेरी क्लासेस होती थी संडे, लाइक जिस दिन वो कॉलेज, बेसिकली संडे को कॉलेज ऑफ रहता था, तो उस दिन जो डिस्टेंस वाले बच्चे होते थे जिन्होंने डिस्टेंस मोड में जो अपने मास्टर्स कंप्लीट करें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो उस दिन आते थे, ठीक है। तो संडे हमारी क्लासेस होती थी, उस पहले होती थी हमारी थ्योरी क्लासेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि
कुछ क्लासेस होती थी, नहीं प्रॉपर पूरा सिलेबस जो हमारा रहता था वो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होता था, और हमें मॉड्यूल्स दिए जाते थे हर एक टॉपिक के, जैसे क्वांटम, स्टैटिस्टिकल, क्लासिकल, हर एक टॉपिक के जो पूरा जो सिलेबस था हमारा, उस सिलेबस रिलेटेड हमें नोट्स दिए जाते थे प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। तो वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी से आते थे, तो वो उसका हार्ड कॉपी हम कलेक्ट कर लेते थे, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल रहता था वेबसाइट में, ठीक है। और जो एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज नहीं होता था, ईयर वाइज होता था, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में भी हमारे 5 थ्योरी पेपर थे, 5 थ्योरी पेपर थे और 2 प्रैक्टिकल पेपर थे, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी आफ्टर हमारा, जब थ्योरी क्लासेस पूरा जो थ्योरी का सिलेबस था वो ऑलमोस्ट जब कवर हो जाता था, फिर हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी, ठीक है। तो मेरे फर्स्ट ईयर में था, एक तो फिजिक्स का था प्रैक्टिकल और एक हमारा था कंप्यूटर का, ठीक है। तो 2 प्रैक्टिकल पेपर्स होते थे हमारे, और प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लासेस होते थे, जैसे 10-11 प्रैक्टिकल्स हम लोग करते थे, और फिर प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होता था। तो ये था जो हमारे कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता था, लाइक एवरी संडे थ्योरी क्लासेस होती थी, फिर जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी वो भी संडे को ही होती थी। फिर जब कभी ऐसा होता था कि एग्जाम आ गया है और सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो कभी कभी हमारे जैसे रेगुलर क्लासेस भी होती थी, लाइक स्पेशली प्रैक्टिकल क्लासेस कंप्लीट करने के लिए, जैसे लाइक वीक में कंटिन्यूस 3 या 4 डेज हमारी क्लासेस हो रही है, ठीक है। तो वैसे और प्रैक्टिकल क्लास ऐसा नहीं है कि सब बच्चे एक ही ग्रुप में, नहीं, हमारे 4-5 ग्रुप बनते थे, एक एक ग्रुप में 4-5 स्टूडेंट रहते थे, वैसे होती थी हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस। फिर फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता था, एग्जाम देने के लिए हमें जो रेस्पेक्टिव सेंटर्स हैं, थ्योरी एग्जाम देने के लिए अलग सेंटर्स होते थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम था, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता था वो हमें मेन यूनिवर्सिटी में जाकर ही प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होता था। तो ये हो गई फर्स्ट ईयर की बात। अब सेकेंड ईयर में भी वही थ्योरी क्लासेस होती थी पहले, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी, और हमें एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रहता था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी से कर रहे थे डिस्टेंस, उनके लिए 2 ऑप्शंस थे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, दैट इज कॉन्डेंस्ड मैटर फिजिक्स। और जो बाकी एफिलेटेड कॉलेजेस से कर रहे थे उनके लिए सिर्फ एक ही था स्पेशलाइजेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो एक हमारा जो स्पेशल पेपर होता था उसके लिए एक हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता था, और एक जनरल पेपर के लिए, तो यहाँ पे भी 2 प्रैक्टिकल के पेपर्स होते थे, ठीक है। और एक हमें प्रोजेक्ट भी करना होता था। तो ये डिस्टेंस में हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, जो जो रेगुलर में जो जैसे हम लोग करते थे वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, बस ऐसा है कि यहाँ पे हमें रेगुलर कॉलेज नहीं जाना हो रहा है, बाकी हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, थ्योरी क्लासेस भी हो रही है। यहाँ पे भी सेकेंड ईयर में हम लोग को मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो उससे क्या होता था, हमें एक रेडीमेड नोट्स टाइप का मिल जाता था, तो पढ़ने में हमें बहुत ईजी होता था, मतलब हमारी काफ़ी सिलेबस फास्ट कंप्लीट हो जाती थी। प्रोजेक्ट भी हमें करना होता था, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट के लिए हमें गाइड भी मिलते थे जो हमें हेल्प करते थे प्रोजेक्ट करने के लिए। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सभी रेगुलर मोड जैसे हो रहा है, तो फिर इसका ड्रॉबैक क्या है, कुछ तो होगा इसमें ड्रॉबैक। हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें टाइम कंज्यूम जो होता है वो ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है इसमें। इसमें जो हमारा रेगुलर मोड में होता है वो प्रॉपर 2 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस मोड में आपको 2 ईयर्स से ज्यादा ही लगता है, मतलब आप समझ लो आपका कोर्स मिनिमम 3 साल तक तो चलेगा ही, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब आप एडमिशन लेने जाओगे ना, वहीं पे वो बता देंगे कि 2 से 4 साल तक आपका लग सकता है आपके डिस्टेंस मोड में मास्टर्स कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे टाइम कंज्यूम आपका ज़्यादा होगा, ये एक आपका डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसके अलावा मुझे पढ़ाई में कोई डिसएडवांटेज नहीं दिखा, प्रॉपर सर हमें सब पढ़ाते थे, और प्रैक्टिकल्स भी हमारी अच्छे से होती थी, और प्रोजेक्ट भी हमने अच्छे से किया था, तो वैसे ही मुझे और कोई डिसएडवांटेज नहीं दिखा। ये एक डिसएडवांटेज दिखा कि टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब 1-1 ईयर का होना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा लंबा चला थोड़ा, ठीक है। तो
मुझे इतना ही बताना था आपको। अगर आपको और कुछ जानना है डिस्टेंस मोड में, मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके अगर डाउट्स या कुछ क्वेरी सॉल्व हुए हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।